तो भैया अभी हम आ चुके हैं पत्थरखोला लोकल मंदिर में। ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। ये तो नया मंदिर बना है। नीचे जो शिवालय है वो ये है, मेन शिवालय। इस साइड भी इसके नदी है, एक छोटी सी नदी इस साइड से आ रही है। नदियों के संगम के बीच में मंदिर है ये। लेकिन पहले बहुत बड़ा शिवरात्रि का मेला होता था यहाँ। जय हो भोले की। ये इनका भंडार कक्ष है यहाँ पे। और ये है मेन शिवालय यहाँ का। एक टाइम पे इन नदियों में इतना पानी होता था ना, लोग नहाते थे इन नदियों में। आज ये नदियाँ थोड़ा सूख गई हैं। तो ये रहा मेन मंदिर यहाँ का, शिवालय। जय भोलेनाथ। ऐसा दिखता है। और वैसे जो पुराना जो एक्चुअल मंदिर है वो ये है। सदियों से अभी बहुत बहुत टाइम पुराना मंदिर है ये। लेकिन अभी इसका स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो गया, इस साइड को झुक सा गया है। सदियों से पुराना है ये। कहते हैं कि पांडवों के टाइम का बना हुआ मंदिर होगा ये। तो मेन जो मंदिर है वो यही है। तो यहाँ से जाने का रास्ता मतलब ये है। तो मेन शिवलिंग जो है वो असल जो है वो यहाँ है। ये आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ तो ये है एक्चुअल जो मंदिर है वो ये है। ये असली शिवलिंग यहाँ का। जय हो भोलेनाथ की। इतनी पीसफुल जगह है ये। बाहर से नज़ारा देखो जरा आप इस जगह का। वाह। लोग ऐसी नेचुरल ब्यूटी के लिए मरते हैं। हमारे यहाँ बाय डिफॉल्ट ऐसी नेचुरल ब्यूटी है। बाकी छोटे छोटे मंदिर, शिव जी लिंग तो हर जगह बने हुए हैं। पर जय हो भोले की। बहुत ही सारा पांडव टाइम है। हाँ उसके बाद ये है। तो यार देखो ये देखो ये उन्हीं की विरासत है। अभी ऐसे हो गए हैं ये। तो पहले लड़का, ये वाला पत्थर भी वही है ना। हाँ ये तो पहले लड़का था ऐसे। ये तो आप बनाया नीचे, नहीं तो बिल्कुल ऐसे यूं लड़का हुआ था ये। तो ये तो बेच के आप बनाया। पर अच्छा बना दिया इसका सौंदर्यीकरण है ना। नहीं तो ऐसे लटका था ये। कितने कहते कि इसका बहुत ऐसे लटका हुआ था। ऐसे भी टिका हुआ है। इसी पर टिका हुआ है। तो आप इसका बेस बनाया। ये जमीन धसने की वजह से हो गया होगा नीचे को। नदी के किनारे है ना एकदम। ये सब पुरानी विरासत है। बताओ सब प्राचीन सभ्यता है। वाह। ये नहीं है सभी जो ये वाले नहीं है सब। ये सब नहीं है। ये भी तो पुराना ही है। ये सब पुराने हैं। ये और ये सब पुराने तो, मंदिर तो ये है। ये इसके ऊपर लिंग, ये तो नया बना हुआ है ना। लेकिन नहीं, नहीं, नया बना ये सब पुराने हैं। लिंग तो नया लग रहा है तो ये ऊपर ये सीमेंट लगा के बनाया ना देखिये। पर ये चीज है पुरानी वो पुराने। अरे ये मंदिर की छत होगी ना ये। हाँ ये मंदिर की छत होगी। हाँ इसकी तो वो होगी। हाँ ये इसके ऊपर का वो होगा। तो इन्होंने फेंका नहीं होगा। इन्होंने फेंका नहीं होगा तो इन्होंने इसको यहाँ स्थापित कर दिया है ना। ये हवन कुंड है। यहाँ ये बाबाओं का रहने का वो है। और ये हवन है। ये हवन कुंड बनाया गया है। मजा आ गया। ये अपनी गांव की नदी है जो अपने गांव से ऊपर से नीचे को आती है। अभी तो सूख गई है काफ़ी है। पर मतलब मई जून जुलाई के टाइम पे तो भर जाती है ऐसे हैं। पर पानी तो कम हो ही गया यार। बहुत ही कम। बहुत ही कम। एक टाइम पे ये नदी इस टाइम पे यहाँ तक बहती थी। आज टच है यहाँ। तो ये यहाँ यहाँ टच करती थी। ये टच है। ये तभी तो बनाए गए। एक बार तो ये वो चले भी गया था। मतलब जब आती है नदी तब वाला हिसाब चले भी गया था। हाँ पर नॉर्मल में भी इतना पानी तो रहता था यार। बिल्कुल बिल्कुल है ना। पानी सूख गया काफी।
ब्यूटी है यार, ब्यूटी है। शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला होता था पहले, अब तो नहीं होता, अब तो लोग ही नहीं है। बहुत जबरदस्त हुआ था अभी, हुआ था इस बार। अरे बहुत जबरदस्त हुआ था, बाबा ने यहाँ खड़ी तपस्या करी थी। अच्छा। एक पाँव मौन तपस्या और खड़ी तपस्या है यहाँ पे, तो कौन से बाबा ने? ये दिघाट जो यहाँ पे पालपुर, पालपुर वाले में है वो खड़ी तपस्या। एक कितने साल तक? साल तक नहीं, एक दो महीने, दो महीने पूरा खड़ी 24 घंटे पूरी खड़ी तपस्या। उसके बाद उसको मौन तपस्या, वो मौन तपस्या भी है यहाँ, पता नहीं कब से है वो। अच्छा। वो बड़ा भंडारा हुआ यहाँ तो शिवरात्रि में ना, हुआ पहली ले। अच्छा। जबरदस्त शिवरात्रि में तो वही हुआ। खैर हाँ, तो ये इस जगह में, हमारे यहाँ पे दो जगह है जहाँ पे शिवरात्रि का बड़ा मेला होता है। एक होता है तालेश्वर महादेव, वो ऊपर है जहाँ पैदल चढ़ाई जानी पड़ती है, और एक ये है, ये तो रोड के किनारे ही है, लोग कोई भी आ सकता है यहाँ पे आराम से। बहुत बड़ा मेला होता है, आज से नहीं कब से हो रहा है मेला, जब से हम बचपन में से देखा हमने तब से ही मेला होता है इतना बड़ा। और बहुत शांत जगह है एकदम, पुरानी संपत्ति में तोड़ा। यहाँ बैठ के आप, अगर यहाँ बैठ के अगर बंदा मेडिटेशन कर ले एक दो घंटा है, मज़ा ही आ जाएगा। पुरानी संपत्ति को इन्होंने तोड़ा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पुरानी संपत्ति तोड़नी भी नहीं चाहिए यार। और एक मंदिर ये रहा अपना छोटा सा, ये नया बना हुआ है, और एक ये भी है। आपको एक बार जरा पुल से थोड़ा नदी का नज़ारा दिखाते हैं, और ये पीछे का नज़ारा है यहाँ। ये पुल भी 50 साल पुराना हो गया आराम से, ये रहा पुल सामने। ये है पत्थर खोला का पुल, और ये यहाँ से नदी बह रही है सामने से। देखो जरा, वाह, ये देखो अभी नदी थोड़ी ना सूख गई है, पर अच्छी खासी है अभी भी। उत्तराखंड में नदियों को रिवाइव करने की भी बहुत सख्त जरूरत है, नहीं तो एक टाइम पे इन नदियों में इतना पानी रहता था बहुत ही ज़्यादा। पर ये नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है। आवाज़ सुनने के लिए मर जाता है इंसान का, शहरों में है ना। चलो फिर, अब मंदिर के दर्शन भी हो गए, यहाँ भी हो गया, मंदिर घूम लिया और क्या। तो ये है नहर का कंट्रोलर, यहाँ है जहाँ से नदी कंट्रोल होते हैं ना, तो ये अपना नदी का पानी यहाँ आएगा। अगर नहर के लिए पानी छोड़ना है जिस टाइम पे खेती हो रही हो, पानी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से पानी नीचे नदी में वापस छोड़ दो, तो यहाँ से कंट्रोल होता है मेन। ये वाली नहर तो पूरे इलाके को जाती होगी नीचे, हैं ये वाली नहर जो है यहाँ से नीचे 8 या 10 किलोमीटर वाले एरिया को कवर करती होगी वाली नहर पूरी, है ना, पूरा पानी। तो आजकल जैसे भर भर के पानी, जैसे आजकल गेहूं के लिए पानी चाहिए, तो ये बंद कर रखा नदी में जाने वाला, और ये वाली नहर खुली हुई है, तो इसलिए खेतों में जा रहा होगा नीचे।